बिग बॉस के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर लेने वाले फर्स्ट रनर अप रह गए ऋषभ, एकदम से करीब से छूकर निकल गए बिग बॉस की ट्रॉफी को, तो क्या कहेंगे? कोई गिला हुआ शिकवा नहीं है, नो रिग्रेट्स। जितना मैं इस घर को नहीं दे पाया उससे ज़्यादा कई ज़्यादा घर ने मुझे दिया है। सो आई थिंक आई एम वॉकिंग ऑफ एज अ विनर, और सब लोगों ने बोला कि उनकी नज़र में मैं विनर हूँ। पूरा क्रू, पूरा प्रोडक्शन मेरे लिए हूट कर रहा था, तो आई एम हैप्पी कि आई एम पीपल्स चैम्पियन, नॉट अ ट्रॉफी चैम्पियन बट पीपल्स चैम्पियन, यस। अच्छा, स्टार्टिंग से करते हैं, जब आपने घर में इंटर लिया था एकदम बहुत ही रॉयली दहाड़ मारकर इंटर ली थी, फिर क्या हो गया था, क्यों एकदम से शांत हो गए थे, कुछ एपिसोड्स में आप दिखे भी नहीं, तो हुआ क्या था? देखिए, जब मैं आया था तो पूरा घर मेरे अगेंस्ट था, और दो ढाई हफ्तों के बाद इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी कि मुझे आई नीडेड टू फाइंड माई सेल्फ। तो उसके लिए मुझे एक हफ्ते के लिए मैंने बैक सीट लिया, बट उसके बाद जब मैं वापस आया देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। जो लोगों ने मेरे लिए कब्र खोदी वो सब बाहर निकलते गए, राइट? और हम लोगों ने एक तरह से ये भी सुना था कि एक बैड बॉय का पोर्ट्रे था कैमरे के पीछे ऋषभ का, लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो यू वेर लाइक लड़कियों की बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करते थे एंड बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, तो वो एक बैड बॉय का हमारा पोर्ट्रे निकल गया। एंड ये भी कि आपने बहुत अच्छे से दिगांगना से फ्रेंडशिप भी कर ली उस बिग बॉस के दौरान, तो उस पर क्या कहेंगे? ऑफकोर्स, देखिए जो मैं रियल लाइफ में हूँ वही मैं बिग बॉस जी के घर पर था। सो आपने जो भी देखा है 100% ऋषभ है, कोई छल कपट नहीं है, जो भी किया है दिल और दिमाग दोनों से किया है, और आई एम प्राउड कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। एंड ऑफ कोर्स दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मुझसे गलती हुई थी कभी तो आई थिंक इट वाज द राइट प्लेस टू मेक इट अप। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इतने दिन जितने भी टास्क रहे हैं कैसी रही जर्नी आपकी? बहुत इंटरेस्टिंग। बीबी होटल टास्क से बीबी डेयरी, बीबी मैंशन, चैलेंजर्स जो पाँच दोस्त थे, और मतलब टास्क सारे एस वैकर थे यार, कैसे बताओ। मतलब वो हमारे लिए, वो जैसे आप लोग फिल्म देखने जाते हो, हमारे लिए वो टास्क फिल्म था कि यार बकल अप, ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, यू नो जिम करके आ रहे हैं, प्रोटीन शेक पी रहे हैं कि अभी टास्क आने वाला है। सो या इट वॉज अ एड्रेनलिन रश। अच्छा, हम लोग जब आप जा रहे थे तो यू वर सो मच एक्साइटेड टू मीट सलमान खान, एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि आपने छोटे सलमान का रोल भी किया था कहीं ना कहीं अपने एक शो में। कुबूले में मैंने वो रोल किया था। हाँ, तो सलमान खान से मिल के कैसा लगा? सलमान आपकी टांगे भी खींचते थे कई सारे एपिसोड्स में, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, अब इस एक देयर इज एन ओल्ड सेइंग, व्हेन अ स्टार, व्हेन अ एक्टर फॉल्स एंड राइजेस इज कॉल्ड अ स्टार, राइट? सो आई थिंक ही इज अ लेजेंड, एंड उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत प्यार करते हैं हम सबसे, और एक ही बात बोल सकता हूँ कि सलमान खान रॉक्स लाइक ऑलवेज। वाइल्ड कार्ड रह चुके ऋषभ ने, वाइल्ड कार्ड है ऋषभ, वाइल्ड हमेशा रहेगा। नहीं, वाइल्ड कार्ड्स एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले ऋषभ ने ये कहा था कि मैं जीत के दिखाऊंगा, एंड ठीक है ट्रॉफी आप टच करके निकल गए, आप फर्स्ट रनर अप रह गए, तो एक तरह से कहीं ना कहीं फैंस एंड ऑडियंस सब इस बात से खुश हैं कि कम से कम आप फर्स्ट रनर अप रहे, तो उसके लिए क्या कहेंगे? आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम पीपल्स चैंपियन, जीत तो किसी एक की है, एंड आई एम हैप्पी कि प्रिंस जीता, बट अगर हिंदुस्तान की नज़र में विनर हूँ तो मैं विनर हूँ। टॉकिंग अबाउट द अदर कंटेस्टेंट, व्हाट यू वांट टू से अबाउट द अदर थ्री जो आपके साथ थे? रोशेल, मंदना, कीथ, कीथ, राइट? हमारा दोस्त कैसा हो, कीथ सिक्वेरा जैसा हो। कीथ इज अनबिलीवेबल, आई थिंक ही इज द, वो हमारे घर के एंकर थे, है अभी भी हैं। सो या ही इज लाइक, मैं कैसे बोलूँ यार, ही इज टू गुड। रोशेल, मिस इंडिया, मेरा ऐसा मानना है कि मिस इंडिया में बहुत एटीट्यूड होता है, लेकिन रोशेल इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नो एटीट्यूड। मतलब वो इतना दिल से है यार, प्यार करती है तो दिल से करती है, लड़ती है दिल से लड़ती है, फिर तुरंत में एक घंटे में आके सॉरी बोल देती है, यू नो वो क्वालिटी है, और इसीलिए वो मिस इंडिया है। और मंदना, हाँ देखिए, मंदना ने लड़ाई बहुत की घर में, मुझे दुख इस बात का है कि मैंने उसके साथ जो दोस्ती की उसने रेसिप्रोकेट नहीं किया, बट ये उसका पर्सपेक्टिव है, राइट? बट आई एम रियली हैप्पी कि मंदना एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लोगों को पता चला,
एंड आई एम हैप्पी कि उसने जो भी वो करके वो शो में आगे आई, वेल डिजर्व. ऑलराइट, तो जाते जाते ऋषभ क्या कहेंगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स से? यही कहूँगा कि दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं नहीं जीत पाया, और थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक लेकर आए. आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. सो शुक्रिया. जय भोलेनाथ. थैंक यू सो मच ऋषभ, एंड यू आर द विनर फॉर अस. थैंक यू. कैमरा पर्सन फैजान के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला.